शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जनपद बिजनौर थाना नूरपुर के ग्राम गांवड़ी पनियाला में ग्राम प्रधान द्वारा आवास के नाम पर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। ग्राम के इरशाद महताब, जुल्फकार सुलेमान, भूरेजाकिर लियाकत, अमीनुद्दीन आदि ने ग्राम पनियाला की प्रधान के पुत्र राकिब पर आवास और शौचालय बनवाने के नाम महताब ने 40,000 और इरशाद ने 50,000 रुपए और कई ग्रामीणों ने शौचालय बनाने के नाम पर कई हजार रुपए हड़पने। नाम आपको? महताब अली। कौन से गाँव से? गांवड़ी पनियाला। अच्छा, जो आपका मकान आया था लोही आवास में, लोही आवास 40,000 रुपए दिए हैं। किसको दिए 40,000? प्रधान को। क्यों दिए? मकान बनवाने के। प्रधान ने मांगा था आपसे? हाँ, प्रधान ने मांगे थे। क्या कहा था? कि मुझे पैसे चाहिए हैं। कितने रुपए? 40,000 रुपए, और अभी और भी लूंगा। तो आपने कैसे दिए, किस तरह दिए थे? 20,000 तो मतलब पहले दिए मकान आने से पहले, और 20 वो भट्टे वाले से काटते, उसने 70,000 रुपए उसके नाम पे डलवाए, तो उसने 50,000 का माल उठवाया, 20 उसने काटे वहाँ। और फिर उसके बाद में और मांग रहा था, पुलिस से उठवाऊंगा यार, नहीं तो देव। अरे एक को उठवाया अभी हम में से। ठीक। लेटरिन बनी थी, आपसे कितने रुपए मांगे गए थे? 500 रुपए। किसने लिए थे आपसे? इकरार ने। इकरार कौन है? प्रधान का ठेकेदार है। जो प्रधान का ठेकेदार है जी। कितना टाइम हो गया लगभग लिए? बस टाइम तो मेरा ध्यान नहीं रहा, डेट तो नहीं पड़ी इस पे। 500 रुपए, एक सीमेंट का गट्टा, 2 सरिये लिए आपसे लिए थे जी। हाँ। आपने शिकायत कहीं की थी इससे? नहीं, हमने साहब इससे पहले कहीं शिकायत नहीं करी, यो शिकायत करी अब बिजनौर जाके। अच्छा, तो आपकी शिकायत पे अधिकारी लोग आए हैं? हाँ, अधिकारी लोग आए हैं, अब जाके जैसी कर रहे हैं, अब इनके हाथ में है, अच्छी करके जामे या बुरी करके जामे।